वहीं सीएम भजन लाल शर्मा का जोधपुर एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वागत किया। विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किए गए विभिन्न कार्यों की इस दौरान बधाई भी दी। आज अपने सबसे पहले तो मैं आप सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज कई कार्यक्रम हमारे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाए जाते हैं और वो आज मनाए गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश लोहार सीधा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, सीएम भजन लाल शर्मा का जोधपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीएम मोदी के जन्मदिन के तौर पर किए गए कार्यों की बधाई भी दी। किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा गया, किस तरह से उनका स्वागत हुआ, इसके साथ ही क्या कुछ सौगातें जोधपुर को आज मिली? बिल्कुल और इस दरमियान जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आज उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक दिवस के दौरे पर आज वे जोधपुर एयरपोर्ट से सीधा पूर्णता विधायक देवेंद्र ज्योति की मात्र एक शोक सभा में शामिल होने के लिए विशेष तौर से पहुंचे विशेष स्थान से, और उसके बाद में देवेंद्र ज्योति के माता पर समर्पित किया गया। उसके बाद वहां से जोधपुर से जोधपुर देवेंद्र ज्योति घर से जोधपुर एयरपोर्ट के लिए निकले, और उसके बाद में जो वहाँ पे जोधपुर एयरपोर्ट पे जो जोधपुर की सड़कें हैं, जोधपुर की मूलभूत जो समस्या है उनको लेकर काफी समय से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जोधपुर वासियों को, उसको देखकर आज सीएम भजन लाल बहुत नाराज हुए। उन्होंने जोधपुर में जो नगर निगम और जेडीए के जो अधिकारी है उनको आज फटकार लगाई और उनको कहा गया, विशेष तौर से दिशा निर्देश किए गए, पाबंद किया गया कि जल्दी से जल्दी जोधपुर की जो समस्या है उनको समाधान किया जाए, और जो सड़कों पे जो पानी जमा है, जो गांव धाड़ियों जो पानी जमा है, इसका जल्दी से निस्तारण किया जाए। जी जी, बाबा धन्यवाद जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें, सीएम भजन लाल शर्मा का जोधपुर दौरा रहा, जहाँ पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, तो इसके साथ ही उनका स्वागत सत्कार किया गया।